साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, नए टॉपिक पे आज बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे दुबई से रिलेटेड वीडियो बनाए थे और आप लोगों ने देखे भी हैं, किसी को अच्छे लगे किसी को नहीं भी लगे, अलग इशू होता है बहुत सारे उसमें। लेकिन एक कॉमन कमेंट बहुत सारे लोगों के क्या होते थे, चाहे व्हाट्सएप पे मान लो, चाहे कॉलिंग से मान लो, चाहे आप नीचे यूट्यूब पे कमेंट मान लीजिए, कि सर हमें वर्क परमिट वीज़ा में जाना है, विजिट वीज़ा में नहीं जाना, वर्क परमिट। बहुत सारे जो नए बंदे होते हैं उनको डर लगता है कि क्या पता और कंट्रियों में विजिट टू वर्क में नाम से भेज देते हैं, फिर बंदा फंस जाता है, उनका परमिट नहीं लगता, तो क्या हो सकता है दुबई में भी ऐसा हो जाता है। लेकिन पहली तो मैं बता दूं भाई, गल्फ में कोई भी कंट्री चले जाओ, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट होता है, वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे रखा है। ये बातें आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे या फिर कहीं पर भी XYZ किसी भी एजेंट के थ्रू। ये तो हो गई अलग बात। फिर भी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर हमें जाना ही वर्क परमिट में है। अब वर्क परमिट में कौन जाना चाहता है, कि कुछ तो पुराने बंदे होते हैं, कुछ नए बंदे होते हैं, उनकी ये सोच होती है कि वर्क परमिट में हम जाएं। लेकिन वर्क परमिट में क्या होता है कि हमारे राजस्थान में ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब आता है, 99% लोग कंस्ट्रक्शन का ही आता है। बाकी आज तक मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे 2.5 साल में कोई वीडियो नहीं डाला कि ये पैकिंग कार है, मॉल सोल वगैरह, वर्क परमिट आता ही नहीं है। क्योंकि इसका एक लॉजिक होता है कि कंपनियां वर्क परमिट वहीं पूर्ति कर लेती है बंदे की, इसलिए वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। आज हम बात करेंगे वर्क परमिट वीज़ा से रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पहली बार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप वर्क परमिट इंडिया में लेके जाना चाहते हैं 2 साल का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दुबई जाना चाहते हैं तो ज़रूर ये वीडियो देखिए। इससे पहले मेरा चैनल लाइक ज़रूर कर लें, अगर अच्छा लगे तो फिर चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हर रोज़ इसी तरीके के टॉपिक पे मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूं। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे दुबई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बता दूँ आज तक मेरे जो भी वीडियो डाले हैं विजिट टू एम्प्लॉयमेंट डाले हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि इंडिया से वर्क परमिट वीज़ा आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि दुबई जाना है लेकिन कंस्ट्रक्शन के अलावा जॉब में जाना है, तो भाई ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है और इसमें काम क्या रहेगा, पैकिंग से रिलेटेड। अब पैकिंग किस चीज़ की होगी, इंक्वायरी मेरे पास अभी आदि है आदि नहीं है, वो बातें सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप तैयार हो जाओ, ताकि अगर आप जब भी इसका इंटरव्यू हो तो आप चाहो तो इंटरव्यू में अपना सिलेक्शन करवा के जा सकते हो। अब काम बता दूँ इसमें पैकिंग का रहेगा, ठीक है साथियों। पैकिंग किस चीज़ की करनी है, ऑनलाइन जैसे कंपनियाँ होती हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह, ऐसी जो कंपनियाँ होती हैं उनमें जो सामान पैक होता है, छोटे छोटे डब्बे बक्से होते हैं ना, 5-10 किलो के, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, उनको लोडिंग अनलोडिंग करना, पैकिंग करना, ये इस तरह का काम रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे कामों में पैकिंग के लिए, तो आप बिल्कुल इंडिया से वर्क परमिट वीजा लेके ही जा सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या रहेगा, लगभग 10 फरवरी के करीब डेलीगेशन आएगा दुबई से, ठीक, कंपनी का मैनेजर मान लो, SR मान लो, वो आएगा, वो सिलेक्शन करेगा आपका। अगर आप उनकी नियम और शर्तें लागू होंगी, वो अपनी कंपनी के नियम कायदे जो भी वहाँ का लेबर लॉ है दुबई का वो आपको समझाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो उस कंपनी में आप अप्लाई कर लीजिए, 1 महीने के अंदर आपका पूरा काम हो जाएगा। इसमें आपको मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेडिकल वहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 2 साल का आपको इंडिया से लेके जाओगे। ये न्यूज़ आज के लिए दे रहा हूँ, अभी ये वीडियो 2-4-5 दिन चलेगा, 10 तारीख के करीब जो क्लाइंट आएंगे डेलीगेशन मेरे पास, जैसे कोई न्यूज आती है तो मैं आपको डेट और टाइम बता दूंगा और एड्रेस दे दूंगा कि वहां जाके आप अपना इंटरव्यू देके अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। सिर्फ आपको पासपोर्ट लेके जाना है, फोटो लेके जानी है और कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फेस टू फेस आपको इंटरव्यू देना है। आप अपनी बातें बताओगे, अगले की आप बात सुनोगे, दोनों से अगर आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उनकी शर्तें आप मान लेते हो तो आपका काम बन जाएगा, अगर आपको शर्तें अच्छी नहीं लगी तो अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, ठीक है साथियों। ये इंटरव्यू से रिलेटेड मेरे पास इंक्वायरी थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दुबई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पैकिंग के काम में जाने वाले बंदे तैयार रहें, 8-10 फरवरी को ये डेलीगेशन आएगा, उससे पहले मैं एक वीडियो डाल दूंगा, नंबर एड्रेस वगैरह दे दूंगा, वहाँ जाके आप अपना पंजाब में होगा फर्स्ट में, मुझे जहाँ तक आइडिया है पंजाब और UP इस तरह से, या दिल्ली में 2-3 जगह होंगे, तो आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ के बंदे वहाँ जाके आप इंटरव्यू दे के अपना सिलेक्शन करवा सकते हो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से। आज की जानकारी मेरे लिए मेरे पास इतनी थी, अधिक जानकारी लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डालूं इंटरव्यू से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।